नमस्कार, मेरा अंडमान से मैं हूँ रजिया बेगम। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के कारण काफ़ी मौतें होने लगी है और यहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव केसेस के आंकड़े हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण ही ये आंकड़ा बढ़ा है। जैसे कि हम सभी को मालूम है, हमारा द्वीप समूह जो लॉकडाउन के वक्त ग्रीन जोन में आ चला था, यहाँ पे जैसे ही फ्लाइट सर्विसेज रिज्यूम हुई, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी तवज्जो अगर दी होती और यहाँ पर जो लोग मेलेंड से आ रहे थे आइलैंडर्स, उन्हें अगर होम क्वारंटाइन किया गया होता तो शायद यहाँ पे मौत का आंकड़े का जो सिलसिला है वो ना शुरू होता और शायद कोविड-19 के जो केसेस आज बढ़ चले हैं ये यहाँ तक नहीं पहुँच। तो जो हो चला है अब हम उस पर बार बार चर्चा करें ये सही नहीं है, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गलतियों को समझ कर कोई ना कोई उपाय सुझाना ही होगा इस महामारी को हमारे द्वीप समूह से ख़त्म करने के लिए। चलिए, इन सबके बीच में हम ये देखते हैं कि 18 अगस्त तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ट्विटर अकाउंट में जो आंकड़ा है पॉजिटिव एक्टिव केसेस का वो है 1078 और डेथ है 30। 30 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं इस महामारी के दौरान। तो हम आज इस विषय में बात करते हैं कि कोविड-19 में जैसे कहा जाए तो फीवर है, कफ है, ये सारी चीज़ें कहा जाता है और उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो दोस्तों, आज हम पल्स ऑक्सीमीटर को लेके बात करते हैं। ये छोटा सा इक्विपमेंट कोविड-19 के महामारी के लड़ाई में कितना कारगर सिद्ध हुआ है और इसकी क्या अहमियत है, हम इसी को लेके आज चर्चा करते हैं कि आखिर ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास कितने आए हैं और क्या ये हर पेशेंट हर होम क्वारंटाइन को दिया जा रहा है या नहीं, और इसकी अहमियत और ये किस तरह से काम करती है, इसके बारे में आज हम मिरर अंडमान में चर्चा करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक टेस्ट है जिसका उपयोग ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है और यह एक पेनलेस उपाय है जिससे आपके शरीर को कितनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन भेजा जा रहा है ये हम बखूबी जान सकते हैं। तो दोस्तों, 2000 के करीब रिसेंटली जो है पल्स ऑक्सीमीटर हमारे द्वीप समूह में हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा मंगाया गया है, उन्हें डिलीवर हुआ है और जहाँ तक हम सभी को मालूम है 18 अगस्त तक हमारे द्वीप समूह में 1078 एक्टिव केसेस कोविड-19 के रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई पेशेंट्स हैं जो अंडर होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं दिया गया है ताकि वो अपने पल्स को बार बार चेक किया जाए। और जहां तक हमारे द्वीप समूह के दुकानदारों की बात है तो हमने कुछ लोगों को कॉल किया था ये जानने के लिए कि आखिरकार पल्स ऑक्सीमीटर हमारे द्वीप समूह में किस रेट में बेचा जा रहा है। तो हमें पता चला कि ये 2500 से 3000 के बीच बेचा जा रहा है, जबकि यही ऑक्सीमीटर हम ऑनलाइन में 1000 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं। तो इस तरह का जो है इस महामारी के दौरान जब लोग ऐसे ही परेशान है और वैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह की कालाबाजारी इस समय में महामारी के समय में दुकान वाले ना करें। हमने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स को भी कांटेक्ट किया हुआ था कि ये पल्स ऑक्सीमीटर के डिटेल्स बताएं, आखिरकार हमारे द्वीप समूह में कितने आए हैं और कितने पेशेंट को दिया गया है। उन्होंने ऑफ कोर्स ये एश्योरेंस दिया हुआ था कि वो बहुत जल्द हमें कॉल बैक करेंगे और इसका डिटेल देंगे, लेकिन ऐसे ही हमने दोबारा कॉल की तो उनका कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है, ना ही हमें कोई अपडेट मिला है। DC कंट्रोल रूम में जब हमने कांटेक्ट किया और वहाँ के जब स्टाफ से पता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इसके बारे में कोई भी डिटेल्स देने से हमें मना कर दिया। तो देखो दोस्तों, आप भी बखूबी समझ सकते हैं कि आखिरकार ये छोटा सा इक्विपमेंट जो इतना कारगर है, इतना ज़रूरी है कोविड-19 के महामारी के दौरान, और एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ये एश्योरेंस दिया हुआ था कि जो मेडिकल किट वो होम आइसोलेशन पेशेंट्स को दे रहे हैं उन्हें एक पल्स ऑक्सीमीटर
भी दिया जाएगा जो उन्हें अफकोर्स रिटर्न करना होगा जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। उनके खुद ये कहने के बावजूद भी उनको इन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कई पेशेंट्स को ये देने से मना कर दिया है, पल्स ऑक्सीमीटर उनको नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी घरों में जो पेशेंट्स है या उनके घरों में जो बुज़ुर्ग है जिनका इस महामारी के दौरान हो सकता है कि पल्स बार बार चेक किया जा सके, लेकिन इस तरह की जो इक्विपमेंट जो ज़रूरी है वो देने से, जो पॉजिटिव केसेस है उनको भी देने से इनकार किया जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों, कुछ और नए विषयों को लेकर बहुत ही जल्द हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं। कुछ और हम अब बहुत ही जल्द कुछ एनालिसिस भी लेकर आएंगे जो ये कोरोना वायरस की महामारी का जो पूरा सिलसिला है इसको लेके हम एक एनालिसिस बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। तो इस महामारी के दौरान, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और दुआ करते रहिए कि जल्द से जल्द ये महामारी हमारे द्वीप समूह से और पूरे देश से ख़त्म हो जाए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। अलविदा।